भारतीय किसान संघ के द्वारा पुनासा एसडीएम कार्यालय के सामने कई समस्याओं को लेकर धरना दिया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान पधारे और अपनी मुख्य मांगे रखी, जिसमें पिछली बकाया 33% राहत राशि और लागत के आधार पर खेती को लाभकारी बनाया जाए। क्षेत्र में नहरों के पुलिया निर्माण और बिजली विभाग की कई समस्याओं को लेकर किसानों का आंदोलन किया जा रहा है। खंडवा जिलाध्यक्ष राधेश्याम चाचरिया, अध्यक्ष हारे सिंह डोडे सहित सदस्य और किसान उपस्थित रहे। किसानों का आक्रोश शासन और प्रशासन के खिलाफ देखा जा रहा है। किसान संघ का कहना है कि बार बार निवेदन और आवेदन दिया गया है, पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। किसानों की मांग जब तक नहीं मानी जाती, जब तक धरने पर बैठे रहेंगे। पुनासा से पदम सिंह की रिपोर्ट। बलराम की जय। हमारी आज ये धरना स्थल भारतीय किसान संघ का इसलिए रखा गया है कि यहाँ की 34% राहत राशि जो पिछले साल की बकाया है, 19-20 का बीमा, नहर विभाग का मुख्य मुद्दा, बिजली विभाग का मुख्य मुद्दा, इन सभी समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है एसडीएम कार्यालय के बाहर। और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती, तब तक ये निरंतर चलता रहेगा और आगे इसमें बढ़ोतरी भी होती रहेगी। तो ये मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करोगे आगे? अनिश्चितकालीन चलेगा साहब, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक यहीं बैठेंगे। और घेरा डालो डेरा डालो के नाम से सारी व्यवस्था साथ में लेके आए, कंडे लक्कड़ सब। आज पहले दिन रामायण का पाठ होगा कि भगवान यहाँ के राजनेता यहाँ के अधिकारियों को सद्बुद्धि दे, ताकि किसानों को यहाँ रोड पे नहीं उतरना पड़े इस कोरोना काल में। क्या नाम है आपका पद? हरे सिंह डोडे, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष, पुनासा। ओके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।